You are most welcome to my channel. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फंक्शन कवर करेंगे. लेट्स बिगिन. रिलेशन. अ रिलेशन इज सिंपली अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है सेट ए टू बी 1, 3, 3, 5, 3, 6 एंड 4, 8. एंड इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू को एंड यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ डोमेन ऑफ एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे. सेट ए की हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 3, 4. तो यहाँ पे हम कंसीडर कौन कौन से करेंगे जिनके पास भी इमेज होगी खुद की वो कंसीडर होगी. जैसे 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 और 6 है, ठीक है. ऐसी 4 की इमेज 8. तो हम कौन कौन से कंसीडर होगी वैल्यू 1, 3, 4. ये सब होगी वैल्यूज़ डोमेन ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में. एंड ऐसी देखते हैं रेंज ऑफ वाई की वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ कंसीडर होगी. जिनकी भी खुद की प्री इमेज होती है उनको हम कंसीडर करेंगे. जैसे 3 है, उसकी प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 3 है, 6 की प्री इमेज 3 है, 8 की प्री इमेज 4 है. बट यहाँ 2 देखिए, 2 की प्री इमेज तो है नहीं, तो मीन्स ये कंसीडर नहीं होगी रेंज ऑफ वाई वैल्यूज़ के लिए. तो ये आउट. तो बचा कितना 3, 5, 6, 8. एंड ऐसी अब एक एग्जांपल देखते हैं. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है. तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की वैल्यू किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही. तो मीन्स ये जो होगा डोमेन ऑफ एक्स, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं. ऐसी रेंज ऑफ वाई, यहाँ पे जो वाई है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यूज पर डिपेंड करेगी. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी. नाउ अब हम फंक्शन देख लेते हैं वो होते क्या. वो फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच ईच x एलिमेंट हैज ओनली 1 y एलिमेंट एसोसिएटेड इट. मींस यहाँ पे जैसे हमने रिलेशन में देखा था उसमें बोला क्या था, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. वैसे ही फंक्शन में भी बोला हमने कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो. बट हमने इसमें एक कंडीशन दे दी कि जो x का एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही वाई के एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए. जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल देखा था रिलेशन वाला. एंड वो रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसका जो एक्स वाला एक एलिमेंट था जो कि है 3, उसके पास 2 y एलिमेंट्स वाले थे वैल्यूज. हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम इट. एंड ऐसी उसमें जब 4 एलिमेंट्स थे उसमें से हम अगर एक एलिमेंट जो 3 वाला था जिसमें उसकी दो दो इमेज आ रही थी तो एक को रिमूव कर दे, तब वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ अब हम देख लेते हैं एलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. दो फंक्शंस दे रखे हैं तो उनका हम सम कर सकते हैं, ऐसी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड ऐसी हम डिविज़न कर सकते हैं. ये सब आपको पता ही होगा. नाउ अब हम मैथमेटिकल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. मैथमेटिकल फंक्शन एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होता है किसके बीच, बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड ए सिंगल आउटपुट वेरिएबल्स. एंड अभी हमने फंक्शन पढ़ा था, सेम वही है ये चीज़, बस यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हुए. नाउ अब हम इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जब हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है. वो कैसे हमें डिटरमाइंड होता है, बाय प्रिंसिपल रेट एंड पीरियड पे इसके. तो हम कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिकल फंक्शन है किसका, प्रिंसिपल रेट एंड पीरियड. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.